हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई थी। पेपर लीक के कारण इसका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था और फिर से पुनः इसका री एग्ज़ाम होना है और डेट फिक्स हो गया। तो आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका एक सीट इसमें कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए, है ना। देखिए, आप बेशक से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपका रिटर्न क्यों ना कमज़ोर है, आपका फिजिकल क्यों ना कमज़ोर है, लेकिन जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसे अपना लिए ना, तो आपका एक सीट पक्का है। आपका जो सपना है ना बिहार पुलिस के वर्दी को हासिल करना, वो आप कर पाएंगे, है ना। मेरी बातों को विश्वास कीजिए, आप 100% अपना सपना साकार कर पाइएगा अगर आज ये छोटी सी वीडियो, देखिए छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इसमें वो तरीका बताएंगे, ट्रिक एंड टिप्स देंगे ताकि आप अपने सपने को साकार कर पाओ। इस वीडियो में सिर्फ वो मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको उस वर्दी को हासिल करना है, करना आप ही को है, खाली बस मैं तरीका बताऊंगा, सही रास्ता बताऊंगा, ठीक ना दोस्तों। तो वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का डेट है जो कि 7/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा बिहार पुलिस की रिटर्न एग्ज़ाम। तो रिटर्न एग्ज़ाम अभी आने में काफ़ी टाइम है, मतलब लगभग ले लो 2-2.5 महीना, है ना। आप 2 महीना पकड़ के चलो, ठीक ना। 2 महीने के अंदर आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी करनी है। बस आप सिर्फ आपके पास 2 महीना है। तो 2 महीने में कैसे आप अपना रूटीन बनाएंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे, वो जान लीजिए, है ना। देखिए, आपको अगर आप फिजिकल में कमज़ोर हो ना, तो आप आज ही से लग जाइए ग्राउंड जाना। आपको ग्राउंड में करना क्या, कुछ नहीं करना है। अगर आपका फर्स्ट दिन है, है ना, तो आपको 4 चक्कर आराम से एकदम जॉगिंग करते हुए कंप्लीट करना है, है ना। फिर अगले दिन 5, यानी 1600 आपको रोज़ाना दौड़ना है। ज़्यादा भी नहीं दौड़ना है कि इस गर्मी में आपका तबीयत ही बिगड़ जाए, है ना। तो आपको नॉर्मल 1600 की तैयारी करना है, डेली दौड़ना है, चाहे आपको 8 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे, लेकिन करना डेली रनिंग है 1600, है ना। टाइम को नहीं देखना है। दूसरा, हाई जंप लॉन्ग जंप रहा तो इसकी भी कभी कभी बीच में प्रैक्टिस करना है। आ जाते हैं, देखिए फिजिकल हम इसलिए बोल रहे हैं ना, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका रिटर्न जो है ना, उस पर मेरिट नहीं बनेगा, फिजिकल पर मेरिट बनेगा। तो फिजिकल बहुत ज़रूरी है, इसको बस प्रैक्टिस करते रहना है, हल्का हल्का, है ना। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बहुत गर्मी भी है, आप सभी को पता है, है ना। हल्का करना है और इतना भी नहीं कर लो कि आपको दिन में सोना पड़े, क्योंकि आपको सोना भी नहीं है, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, आपको 8 घंटा नींद लेना है, है ना। और बाकी जो बचे 16 घंटे, उसमें आपको क्या क्या करना है वो जान लीजिए। आप दिन में अपना काम कर रहे हो, करो, बाहर काम कर रहे हो, करो। आप 2 से 3 घंटा, बस 2 से 3 घंटे आपको देना है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। और करना क्या है रिटर्न एग्ज़ाम में, आप कोई से भी पब्लिकेशन का एक सेट प्रैक्टिस ले आइए और रोज़ाना 1 सेट लगाइए। कितना? 1 सेट, 1 सेट रोज़ाना लगाना है और उसको सल्यूशन करना है, और दिन में 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर लेना है, बस इतना ही काम करना है। 2 महीने में आप लगभग कितने सेट कर दोगे? 60 सेट, और इसका प्रैक्टिस भी करना है। आप यकीन मानिए, बिहार पुलिस के रिटर्न एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न रिपीट किए गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न है ना एकदम एज इट इज़ होते हैं, बस घुमा के पूछ लेता है, है ना। अगर आपने ढंग से सल्यूशन किया होगा ना, तो 100% आप जवाब दे पाइएगा, है ना। देखिए, आपको लग रहा है कि भर्ती जो है बहुत बड़ी है, इसमें धांधली होगा, हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो ये मत सोचिए। आप 21,391 पोस्ट ना माने, पहली बात, आपके लिए 21,391 पोस्ट की भर्ती नहीं है, आपके लिए है ये भर्ती 1,06,555, आपको इसे मान के चलना है, ये आंकड़ा है, इसमें आपको एक स्थान बनाना है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट में जो रिजल्ट जारी होगा वो 1,06,955 रिजल्ट जारी होगा, इसमें आपको एक स्थान बनाना है। अगर इसमें एक स्थान बना लिए तो आपका बेड़ा पार है, ठीक ना। रिटर्न एग्ज़ाम जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा, देखिए अब ये मत सोचिएगा कि जाएगा 78-89, है ना, एक्साइज कांस्टेबल में गया था, 95-90 वालों का रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो नहीं सोचना है, ये है स्टेट पुलिस, ठीक ना। और उसका और इससे कंपेयर मत करना। देखिए, सेकंड बार एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक ना, ये री एग्ज़ाम है, तो इस बार जो बंदोबस्त रहेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। देखिए, दौड़ने वाला क्यों अच्छा दौड़ता है पता है? क्योंकि वो पीछे नहीं देखता है, जो भी फास्ट रनिंग करेगा ना, वो कभी पीछे नहीं देखता है,
उसी तरह आपको पीछे नहीं देखना, अगर आपका रिटर्न एग्जाम कमज़ोर है तो आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है ना, आपको अपनी कमी ढूंढ के उसको बेस्ट करना है, अच्छा करना है। अगर आप पीछे देखेंगे तो दिक्कत होगा, है ना, जो पीछे देखेगा वो गिर भी जाता है भाई। तो पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है ना, आपको बस लगना चाहिए बस सफलता की सीढ़ी बस दो कदम बची है हमारे आगे, अगर हम उसे पार कर लेते हैं सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये मान के चलना है, पीछे नहीं देखना है आपको। देखिए अगर पीछे देखिएगा ना तो डीमोटिवेट होइएगा, आगे देखिएगा है ना, आपको बस मोटिवेट की इस टाइम जरूरत है। आप 2 महीने आपके पास है, रोजाना 1 सेट लगाना है, सोल्यूशन करना है, और मैं प्रयास करूँगा जिस तरह पहले हम सेट लाते थे है ना, पहले हम आपको PDF देते थे, फिर इवनिंग में वो सेट का सोल्यूशन करा देते थे, और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, कई वीडियो पे बहुत भर भर के व्यूज़ हैं है ना, तो काफ़ी हमें भी अच्छा लगा, और उसी टाइम हमारा चैनल भी जो है ना पीक पे फिर से वो रूटीन बनाएंगे है ना। अगर आप चाह रहे हैं ना वर्दी को हासिल करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो है ना, क्योंकि इस पे फालतू की वीडियो नहीं आती, हमारे पास भी देखिए उतना टाइम नहीं रहता वीडियो बनाने का, हम भी बहुत से काम करते हैं, तो साथ में हम अब प्रयास करेंगे एक रूटीन बनाने का, आपको डेली एक PDF देंगे है ना, और इवनिंग में उसका सोल्यूशन करा देंगे। 2 महीने में कर लेते हैं ना तो आपका रिजल्ट 100% होगा, ठीक ना, रिजल्ट कोई ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना मान लीजिए, अगर आप हल्का सा भी मेहनत करते हैं ना तो आपका 100% रिजल्ट होगा, और फिर आपका फिजिकल आपकी तैयारी कर ही रहे हैं और फिजिकल भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल। अगले पोस्ट की इंतज़ार मत कीजिएगा कि भाई न्यूज़ में फिर से आया 19,000 फिर से भर्ती आएगी, उसमें देख लेंगे, उसमें नहीं इसी में देखना है, आपको एक स्थान पहले बनाना है रिटर्न एग्ज़ाम में है ना, जो कि भर्ती रिजल्ट जारी करेगी CSBC 1,06,955, उसमें आपको एक स्थान बनाना है, ईजिली आप बना पाइएगा, आप अपने पे भरोसा रखें, ठीक ना, आप अपने पे भरोसा रखो, आपका एक स्थान जरूर बनेगा। इतनी बड़ी आबादी है भाई, 1,06,955 आंकड़ा कोई कम नहीं है, चाहेगा ना तो हर एक गांव के हर एक लड़के का रिजल्ट होगा। तो ये मत सोचिए कि मेरी बस की नहीं है, आपकी बस की है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मैं डेट अनाउंस करूँगा, सेट प्रैक्टिस कब से आपका आने वाला, बैक टू बैक वीडियो मिलेगा है ना, बस अभी तैयारी चल रही है ना, और जो प्रीवियस ईयर के सेट प्रैक्टिस मैंने करा रखे हैं वो इस वीडियो पे अपलोड है, कोई भी चार्ज नहीं है, जाओ देखो, और जल्दी ही हम फिर से एक रूटीन के साथ वीडियो लाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।